आपने मिनिमाइज कर दिया। अब आपको देखना है कि बैकअप आया है या नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, डिस्क पीसी को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, और यहाँ से एज ड्राइव अपने इसी में किया था, तो आप देखिए आ गया नॉन बिजनेस टैली, इसको डबल क्लिक करें तो ये आपका बैकअप आ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने बैकअप ले लिया तो इसको डबल क्लिक करें और ये डाटा पूरा शो हो जाए आपका, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको रीस्टोर करना होता है। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी जो कंपनी थी उसे डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करेंगे बैंक ऑफ इंडिया एंड बैलेंस शीट देखते हैं अपनी, ये बैलेंस शीट है इतनी। अब बाई चांस ये किसी मतलब उससे अचानक से ये डिलीट हो जाती है, आपसे करनी नहीं थी पर वो बाई चांस आपसे हो जाती है धोखे से, तो आप क्या करते हैं, रिस्टोर कर लेंगे बैकअप को, क्योंकि तो आपने बैकअप लेके रखा हुआ, तो अपन इसको डिलीट करते हैं। कंपनी डिलीट करने के लिए क्या करेंगे आप, अल्टर F3 ए एंटर, क्या करना है एंटर। और अब आपकी यहाँ पर देखिए कंपनी ओपन हो जाएगी, मतलब बैंक आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा आपको बैंक की। अल्टर डी कर देंगे आप, ठीक है। जैसे ही आप अल्टर डी करेंगे तो डिलीट आ जाएगा, अगर यस करेंगे तो आप यहाँ पे इसको डिलीट हो जाएगी, नो करेंगे तो नहीं होगा, अपन यस कर देते हैं। अब आप एस प्रेस करेंगे और यहाँ पे बैंक के नाम से सर्च करेंगे, नहीं आ रहा आपको बैंक के नाम से, सर्च ही नहीं हो रहा, स्पेलिंग एरर बता रहा है, मतलब डिलीट हो गई आपकी बैंक। अब इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, अगर आपका पेन ड्राइव में होता है तो पेन ड्राइव से रिस्टोर कर लेंगे, और अगर किसी दूसरी ड्राइव में आप तो वहां से रिस्टोर कर लेंगे। अब रिस्टोर करें आप तो क्या करेंगे आप, ये देखिए रिस्टोर ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एंटर। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो आपकी लोकेशन ले लेगा कि आपको देखिए इसमें आपने उसे ये कहाँ पे कर रहा है, अब आपका रीस्टॉक सी ड्राइव में, आपका किस ड्राइव में है, एच ड्राइव में, सोर्सेस से उसने एच ड्राइव ले ली, लेकिन ये बैकअप कहाँ ले रहा है आपका। अगर आपको किसी और दूसरी ड्राइव में लेना है तो आप यहाँ पे वो ड्राइव डाल देंगे, आपके हाथ से टाइप कर देंगे कीबोर्ड से, पर अपन रहने देते हैं, रहने दें ये पर डालें, रहने दें, ठीक है एंटर करेंगे एंटर। फिर यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, अभी अपन ने एक ही यहाँ पे कंपनी ली है तो एक ही कंपनी से हो रहा है, एक ही कंपनी का बैकअप लिया था। अगर आप एक से ज्यादा कंपनी का बैकअप लेते हैं तो यहाँ पे सारी कंपनी आ जाती है आपकी, फिर जिसका भी डाटा आपको रिस्टोर करना है आप वो कर सकते हैं, तो अपन यहाँ पे एंटर करते हैं एंटर करते। अब आप सेलेक्ट कंपनी के लिए एस प्रेस करेंगे और बैंक सेलेक्ट करेंगे, देखिए आ गई बैंक ऑफ इंडिया, एंटर करेंगे। बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे तो पूरा डाटा आपको वापस मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो आ जाएगा आप सभी को इतना, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं पूछना, ठीक है। इस टाइप से अपना यहाँ पे बैंक वर्क भी हुआ कंप्लीट, ठीक है। आपको कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ लेना, बाकी अपन अब ये 2-3 दिन रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का, ठीक है। क्लोज कर दें।